अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एच वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज ना हानिया और बच्चे थोड़ा ज़िद कर रहे थे बाहर जाने की, क्योंकि संडे था तो बस हम लोगों की तैयारी थी बाहर जाने की। और 3 बजे हम लोग पार्क जाने वाले थे, तो हम लोगों ने सोचा कि खाना क्यों ना बना के जाएँ पहले से, क्योंकि जब पार्क से आएंगे ना तो काफ़ी थके हुए होंगे। तो इसके लिए मैंने आज यहाँ बनाया है आलू और गोश्त का सालन, चावल और रोटी। तो चावल और गोश्त जो है वो बन रहा है, उसके बाद रोटी भी हमने बनानी है। तो पूरा खाना ना हम रेडी करके जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा लगभग गोश्त जो है वो भी रेडी हो रहा है, तो इसी के साथ हम रोटियाँ बना लेंगे। और आज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रही हैं हानिया, क्योंकि वो भी किचन में है। प्याज काटती हूँ। बेटा आपका हाथ कट जाएगा, आप इसको इसको काट रही हूँ। क्या है यहाँ पे, तो कुछ है भी नहीं ना। अरे कटना नहीं चाहिए, हाथ पे नहीं चोट लगनी चाहिए। बना दिया तो मैंने अभी चटनी बना दिया इसको। अब इसके अंदर थोड़ा सा मेरी अम्मा का जो प्याज है वो डालने जा रही हूँ। मेरी अम्मा कह रही है स्कूल में तुम्हारा नाम लिखाऊंगी। मैं कहती हूँ अम्मा से, अम्मा मेरी बड़ी हो गई अब खाना पकाऊंगी। ये फ्लावर क्यों लेके आई हो? अरे वीडियो अच्छी नहीं आती है। अच्छा आपको वीडियो बनाना है, तो इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे बस। चलो ये मेरे पेड़ लाए यहाँ पे, देखिए यहाँ से फूल टूटे। नहीं हानिया वो उसमें से नहीं तोड़ सकते ना, वो ओरिजिनल नहीं है। अरे झूठ बोल, आप बेवकूफ बना रही हो। इधर देखो आप बेवकूफ लेना है, लेकिन ये तो झूठ भी बोलता है। देखिए मेरे लाए इसको लाया है, रोज रुपए का था ब्लैंड है अपने पेड़ का, मैंने बुलाया था वीडियो खींचने के लिए। तो यहाँ हो गई बच्चों की तैयारी, ये अच्छे से तैयार हो चुके हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो चले हम निकलते हैं पार्क के लिए। कहाँ जा रही हो? हानिया इधर सुनो तो बहुत गंदी हो रही हूँ हानिया, स्टॉप इट। यहाँ पे गमले में ना छोटे छोटे से ऑरेंज लगे हुए थे, जो बहुत ही ज्यादा खट्टे थे, बिल्कुल नींबू जैसे। लगा बहुत खट्टा। कैसा था हानिया? खट्टा था, तो पूरा तो खाया नहीं, पूरा खा के थोड़ा सा खाओ। तो बस हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं बाहर, और थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा क्योंकि रिक्शा ना आगे रोड पे मिलेगा। तो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। चलो ना, फिर खड़े क्यों हो गए? एक भी रिक्शा नहीं दिख रहा ना। आनिया रिक्शा रोको, हाँ भागना नहीं है, लेकिन भागना नहीं है। तुम लोग फाइट क्यों करते हो? अभी हम लेके नहीं जाएंगे तुम लोगों को। आनिया अभी ऑटो में बैठ के क्या करूँ? मस्ती करनी है, बहुत मस्ती करनी है। हाँ, खाना भी है। हाँ। कम खाओ पान। हानिया भाई को क्या खिलाने वाली हूँ? भाई को क्या खिलाओगे? बताशे जैसा है। अरे गोली करती है, नहीं है पानी तो नहीं भरा। बताशे में पानी नहीं भरा, इससे भाई में पानी भरना चाहिए। हाँ। तभी खाओगी। हाँ। किस बात पे? तो तब मुझे रोना आ रहा था, तुम्हें रो रही थी। आप भी तो रोती हो। मैं छोटी बच्ची। तो मैं भी छोटी बच्ची ही हूँ।
अच्छा तो क्या सिर्फ बच्चे रो सकते हैं, बड़े नहीं रो सकते? हम लोग रिक्शे पे बैठ चुके हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं यहाँ से, बस 5 मिनट की दूरी पे। तो बस हम सब पहुंच ही गए, बाहर थे और ये रहा सामने हमारा पार्क। अंदर जाके नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना कि तबीयत खुश हो गई। यहाँ पे छोटा सा पॉन्ड था और शायद यहाँ पे पहले कमल पड़े हुए थे क्योंकि ना उनके जो पेड़ थे वो इसमें थे। हाँ निया, कितने सारे फ्लावर्स लगे ना, कौन सा प्यारा है। अंदर इतना खूबसूरत नज़ारा था ना, फूलों का बागीचा इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना, बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा था। गुलाबों की तो इतनी ज़्यादा क्यारियाँ थी ना, पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा खिल जाते हैं। हम लोगों के घर पे भी लगाते बट इतने फूल नहीं आते, और यहाँ पे ना पूरी सड़कों पे ही फूल थे, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे ना वैसे भी गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ काफ़ी देर बैठी रही और बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। मैं इधर फूल देखते ही रह गई और हानिया इतनी ज़्यादा बदमाश थी कि वो झूला जिधर लगा हुआ था ना वो उस एरिया में भागती हुई गई, क्योंकि आज संडे था तो बहुत सारी फैमिलीज थी, बच्चे थे, तो कहीं मुझे चोट ना लग जाए, मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने अजलान को उसके पीछे भेजा। मैं सोच ही रही थी और ये गिर भी गई, झूले से नहीं लेकिन दौड़ते हुए ऐसे ज़मीन पर गिर गई। नहीं स्लाइड पे नहीं जाना, आपके कपड़े नहीं, आपके कपड़े भी गंदे होंगे। चलो चलो हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। इनको एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज्यादा ये मोटी हो गई है ना, एक्सरसाइज करोगी। अभी हम जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ पे एक्सरसाइज की मशीनें लगी हैं, क्योंकि हानिया को ना वो एरिया बहुत ही ज्यादा पसंद है। हानिया इसको पता नहीं, देखो हानिया कितना ज्यादा ये कैसे, हानिया 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 ये क्या कर रही हो, ये कैसे होता है, इसको जरूरत है सही। हानिया तो यहाँ ना हानिया एक्सरसाइज करी, इसको पता नहीं क्यों इतना ज्यादा शौक है ना, तो इसको बड़ा मजा आ रहा था। यहाँ चारों तरफ ना बड़े कम और बच्चे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ना इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और हानिया भी यहाँ बहुत इन्जॉय करी थी। बाद हम लोग तो वहाँ से निकल आए लेकिन बच्चे उधर ही थे, और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा मैं इधर रहती हूँ जब तक तुम लोग खेल के आओ। इधर जो फ्लावर्स लगे थे वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव थे कि मतलब देख के ना दिल बिल्कुल खींचा चला रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं क्या ना वहाँ पे जितने लोग थे ना वो सारे लोग बस फोटो में लगे हुए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और पूरा पार्क ना बस हर तरह के फूलों से बिल्कुल बिल्कुल बागीचा बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये फ्लावर तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि ये सीज़न ही में ना ये सीज़न वाले हैं, ये शायद इसी मौसम में खिलते हैं, और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। तो और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो मतलब बिल्कुल रहा नहीं गया, मेरे हाथ में जब तक फ़ोन है और मैं इनकी पिक्चर्स वीडियोस जो है वो बनाती रही, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस पार्क में ना बहुत ज़्यादा सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो मैं ना पूरा पार्क घूम के बस सारे फ्लावर्स देखने वाली हूँ जब तक ये बच्चे जो हैं वो इन्जॉय कर लें, और आप और हम मिल के पूरा पार्क घूमते हैं। पता नहीं कहाँ से ना बंदर आ गए थे, और यहाँ पे एक बंदर ऊपर बैठा हुआ था तो रफान उसको स्पाइडरमैन कह रहा है, और यहाँ पे आसपास भी बहुत सारे बंदर थे और पेड़ ना काफ़ी तोड़ रहे थे। सामने एक पेड़ की डाल तोड़ दी थी और वो काफ़ी देर से उसी पर आतंक मचा रहे थे, तो बहुत नुकसान कर रहे थे, और उनको भगाने वाला भी ना वहाँ पे कोई नहीं था, और जो बच्चे थे ना वो डर के उधर जान रहे थे। मुझे भी उस साइड जाना था क्योंकि उधर बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे, बस मुझे लगता है कि उसी साइड के फ्लावर बच्चे थे जो मैं बंदर के डर से नहीं गई। बहुत ही प्यारे प्यारे पेड़ लगे थे, और बंदर देखे ना कैसे बिल्कुल उधम मचा रहे हैं, और कोई उनको भगाने के लिए आ ही नहीं रहे क्योंकि सब अपने, कोई ना उन्हें भगाने वाला नहीं था, और ये काफ़ी परेशान कर रहे थे, काफ़ी देर से आतंक मचा रहे थे, किसी को निकलते देख रहे थे तो बच्चों को दौड़ा लेते थे। और यहाँ पे एक साइड में बैठा था ना, इसने फूल तोड़े हुए थे और हाथ में लेके एक एक पत्तियाँ ना तोड़ रहा था, तो बच्चे काफ़ी हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उसका। और ये ना ये काफ़ी देर से बैठा था, हट ही नहीं रहा था, इसी पेड़ पर बिल्कुल लटका हुआ बैठा था, तो शायद ये बहुत ही शरीफ बंदर था। अरे वो देखो फूल तोड़ा, वो नाराज हो गया, पट्टी पट्टी बहुत बदतमीज हो गए तुम, तभी रो रही हानिया। ये कौन सा फ्लावर है हानिया, क्यों गुस्सा क्यों हो, क्या चाहिए क्या चाहिए, बलून
अब उसने पहले नहीं याद दिलाया, अब उसको बलून चाहिए अंदर आके, गुस्सा हो गई। अभी बाहर चल के लेते हैं हानिया, बाहर चलेंगे फिर नहींगे ना, ना नाराज हो। और सामने ना योगा क्लासेस होती है, ये हमेशा जब भी हम लोग आए हैं और होती रहती है, तो हानिया को ना बड़ा मजा आता है देखने में। तो हानिया काफी देर से बैठी है कि ये कब स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे। रफान क्या हो गया, रफान क्या हुआ, हम लोग चलते भूखे हो, क्या खाना है? नहीं बाहर नहीं, अभी मैं बाहर जब चलूंगी तब कुछ खिलाऊंगी, अभी नहीं। और डोनट तुम्हारी तरह। हानिया को ना आदत हो गई मुझे अपने पीछे भगाने की, मैंने मना किया और वो पानी पीने के लिए काफी दूर निकल गई। रफान को भेजा उसे पकड़ने के लिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बदमाश हो गई है। और उसके बाद मैं यहाँ बैठी हुई थी और ये लोग पता नहीं कब स्टार्ट करेंगे। हानिया भी इंतज़ार करते करते चली गई, लेकिन ये शायद और इंतज़ार कर रहे हैं मेम्बर्स का, क्योंकि धीरे धीरे लोग आ ही रहे हैं। तो मुझे भी बस, मैं यहीं सामने बैठी थी, मुझे भी देखना था, थोड़ा टाइम पास हो रहा था, बच्चे खेल रहे थे। एक नहीं नहीं मत तोड़ना, अंकल बहुत मारेंगे हानिया, नहीं बदतमीज मानती नहीं। तो एक बार फिर ना ये लोग इस एरिया में आ गए, मतलब घूम फिर के वापस फिर यहीं पे आ गए। पता नहीं क्यों इन बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली हानिया को ना। हानिया को तो ना अपने उम्र से बड़ा काम करने में तो उनको बहुत ही मज़ा आता है, तो बस वो लगी हुई है कि इसको कैसे किया जाता है, मम्मा इससे क्या होता है। पर वो आपके लिए नहीं है हानिया, वो बड़े बच्चों के लिए, आपको चोट लग जाएगी, आप नहीं कर सकती बेटा। फिर हानिया किसकी सुनने वाली है और कहाँ मानने वाली है, उसको जो करना था उसने करना है, तो बस फिर मुझे भी थोड़ी सी उसकी हेल्प करनी पड़ी। और उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, वो बोल रही थी कि बस मुझे छोड़ दीजिए और मैं अकेली करूँगी, और फिर वो चढ़कर ही मानी। और ये उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बस वो ये कह रही थी कि मम्मा अब हम कब आएंगे, उसको इतना ज़्यादा यहाँ मज़ा आया। और उसके बाद हम बस घर के लिए निकल रहे थे, और क्योंकि हानिया ना बहुत से ज़्यादा परेशान हो गई थी, बच्चे थक गए थे, 2 से 3 घंटे यहाँ पे ये लोग खेले और काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन अब ये थक चुके थे तो हम लोग घर के लिए जा रहे थे। और इस साइड के तो पेड़ जो थे फूल वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो जाते वक्त फिर से देख लेते हैं। बाहर आके इन लोगों ने खाए पानी पूरी, और इन सारे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है, स्पेशली हानिया को। हानिया उसके बाद इन लोगों ने ले ली आइसक्रीम और हम लोग निकल गए घर के लिए। हानिया ना यहाँ पे अपनी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम इंजॉय कर रही हैं, और इनको बस ना कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम ये सारी चीज़ें बहुत ही पसंद है, मतलब जो नुकसान करती हैं वो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस हम लोग घर ही पहुँचने वाले हैं, और हानिया ना अब बच्चों को देख सकते हैं ना काफ़ी थके लग रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये लोगों ने वहाँ पर उधम मचाई है और ये काफ़ी थक गए हैं। और यहाँ हानिया आते ही ना थोड़ी ही देर बाद सो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो बिल्कुल होश नहीं था। लेकिन इसकी सबसे गंदी आदत है ना, अंगूठा मुंह में डाल के सोती है, बिल्कुल भी नहीं निकालती। मैंने कोशिश की ना, फिर भी नहीं निकाल रही। और ये हानिया को सुला के जब यहाँ आई तो यहाँ ना पार्टी चल रही है पानी पूरी की, फिर से अभी ये लोग वहाँ खा के आए हैं लेकिन यहाँ फिर से चल रहा है, बाहर आया है पानी पूरी वाला। तो बस मेरा भी दिल कर गया क्योंकि मैं वहाँ नहीं खा पाई हानिया की वजह से, परेशान कर रही थी। और तो फिर मैंने अपने लिए यहाँ से मंगाया, तो ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही खड़ा है घर से बिल्कुल पानी पूरी वाला। तो बस इसके बाद हम पानी पूरी खाएंगे, लेकिन मेरी हानिया ना वो सो गई, वो तो बहुत ही ज़्यादा पानी पूरी की दीवानी है। तो रफान अभी खड़ा है शायद वहाँ पे, वो बना रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। और अजलान आ रहा है पानी पूरी लेके, अभी ये लोग वहाँ खा के आए हैं, लेकिन इन ये दोनों ना हानिया की तरह पानी बताशे के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं, तो ये लेके आया है। लेकिन ये ना ये मीठे थे, जो मुझे मीठे बिल्कुल नहीं पसंद, पानी पूरी हो और वो तीखी ना हो तो क्या फ़ायदा। तो ये आ गया क्योंकि पानी ज़्यादा ढेर सारा पहले लेके आया था, तो वो रखा था, तो मैंने सिर्फ बताशे और ये मटर मंगाई थी। तो आप ही आ जाएं और साथ में खाते हैं हम लोग। वाकई में ये पानी पूरी ना पार्क वाली पानी पूरी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ अजलान और रफान के हाफिज़ जी आ गए हैं, और ये दोनों काफ़ी शरारत कर रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे हैं। और यहाँ लाइबा की आज मुझे आर्ट की बुक मिली, और इसकी इतनी प्यारी आर्ट है, मुझे तो आज पता चली कि इतना अच्छा बनाती है। और बहुत ही आप देख सकते हैं ना, मतलब कितनी क्लियरिटी, कितनी खूबसूरती से इसने बनाया है। और भी ये मैं दिखाती हूँ, और दूसरा ना ये भी बहुत ही प्यारा है, और भी इसने बहुत अच्छे अच्छे स्केच बनाए हैं, लेकिन इस वक्त ना उसकी नोटबुक नहीं मिल रही, उसने हानिया बहुत छेड़ रही थी ना तो उसने कहीं रख दी है। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में और भी आपको दिखाऊंगी। तो पानी पूरी वगैरह खाने के बाद हम आ गए हैं किचन में, बनाने वाले थे ग्रीन टी लेकिन कावा दिख गया, तो मैंने कहा चलें कावा ही बना लेते हैं।
तो चलें, उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंजॉय।